आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 2024 सेट सेकंड को आज हम समझेंगे। आपका गणित विषय का जो एग्जाम है वो 12 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो आज मॉडल पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं जो गणित का मॉडल पेपर सेकंड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र सेट सेकंड, पहला प्रश्न है आपका, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है देखिए आपके 6 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर का एक एक विकल्प रहेगा आपका। 6.20 का HCF निकालना है आपको, तो HCF इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 6.20, 2.120। तो 6 और 20 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, महत्तम समापवर्तक, तो उसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक लगाना है। दूसरा इसी में है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 एवं 4 हैं, तो वो होगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, या x-2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखाएं, तो ये प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो भी इसमें राइट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक टिक कर देना है। तो इसी तरह आप अगले क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। 6 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक नंबर का रहेगा इसी में। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान है ये, इनकी पूर्ति करना है आपको, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। यदि पीएक्स एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को ब्लैंक कहते हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा उसको आपको सही लिखना है। इसी तरह दूसरा देख लीजिए, समानांतर या समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ब्लैंक में सर्वांतर d = blank है, तो जो भी इसमें राइट है उसको आपको इसमें भर देना है। देखिए और भी आप इसके अगले क्वेश्चन यहां देख सकते हैं, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण ब्लैंक है तथा बी उनकी संगत भुजाएं ब्लैंक हो, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा। तो आपको राइट जो भी ऑप्शन है उसमें आपको इसको भर देना है। यहाँ आप इसके आंसर भी देख सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर नीचे लिखे हैं। यहाँ पहले का वर्ग समीकरण है, दूसरे का -1 है, तीसरे का आंसर है बराबर, चौथे का है बराबर कॉमा बी बराबर समानुपाती, चौथे का आ जाएगा लंब, और पांचवे का क्या आ जाएगा त्रिज्यखंड, और छठे का आ जाएगा एक। देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 3 ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा, सत्य असत्य लिखिए। तो जो भी इसमें सत्य असत्य हो उसके सामने आपको सत्य, और जो असत्य हो उसके सामने आपको असत्य लिख देना है। फर्स्ट है √2 एक परिमेय संख्या है, तो यदि ये बात सत्य है तो आप उसको क्या कर देंगे, सत्य लिख देंगे, और अगर असत्य है तो आप इसे असत्य लिख देंगे। तो परिमेय संख्या हमेशा हम जानते हैं कि बटे में रहती है, तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा कथन। अगला क्वेश्चन है इसमें, और भी आप अच्छे से पढ़ लेना, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सोच समझकर इसमें हमें बहुत अच्छे से टिक लगाने हैं या सत्य असत्य लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 हमारा आता है, सही जोड़ी मिलाइए स्तंभ आ और स्तंभ बा। सही जोड़ी मिलाना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका किससे मिल जाएगा, 1/cos θ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसके आंसर यहां लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तो इन जोड़ियों को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है, उसके बाद इनको टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। या तो एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। ये भी आपके 6 नंबर के रहेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, मतलब इनके जो विविक्तकर है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र आपको, फॉर्मूला आपको बताना है। अगला है सी का, 5, 10, 15, ब्लैंक का अगला पद क्या होगा, तो अगले पद आपको इसमें लिखने हैं। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर इनको सॉल्व करना, इनके उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देने हैं। और आप यहां देख सकते हैं इनके उत्तर यहां लिखे हैं। फर्स्ट का आपका हो जाएगा b² - 4ac, सेकेंड का आपका 20 हो जाएगा। तो इसी तरह सभी के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। अब आता है अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 6। ये तो आपकी ओटी हो गई थी, अब यहां से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306.657 = 9 दिया है, तो LCM 306.657 ज्ञात कीजिए।
एचसीएफ आपको 9 दिया है 306,657 का, तो एलसीएम आपको इसमें से निकालना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न 2 नंबर का है, प्रश्न क्रमांक 27 पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5 में। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 17.23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब अभाज्य गुणन विधि द्वारा आपको पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक। ये प्रश्न क्रमांक 26 पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, क्या कोई दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 18 एवं एलसीएम बराबर 380 हो सकता है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो अपने उत्तर का कारण भी बताइए कि ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसका कारण बताना है आपको। प्रश्न 25 पर इसका प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में आपको मिल जाएगा, देखिए संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त कर देना है। प्रश्न क्रमांक 24 पर इसका आंसर आप देख सकेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, अब द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो द्विघात व्यंजक दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 के शून्यक ज्ञात करना है आपको, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध है उनकी जांच करना है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन अगला मिलेगा, द्विघात व्यंजक 5t² + 12t + 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। एक ही मेथड से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बट आपकी संख्या बदली हुई है, तो इसका आंसर आप कहां देख सकेंगे, प्रश्न क्रमांक 32 पर प्रश्न नंबर 1। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1.1 संख्या है। ठीक है ना, ये आपका 2 नंबर का है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग कितना है, गुणनफल क्रमशः 1.1 है। प्रश्न क्रमांक 37 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन और मिलेगा आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2, 1/3 संख्या है। प्रश्न नंबर 10 आपका आता है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब दो विधियां होती हैं हल करने के लिए, एक विलोपन विधि से भी किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से आपका मांगा गया है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करना है। समीकरण है आपका 0.2x + 0.3y = मतलब बराबर 1.3 कॉलन आ जाएगा इसमें, सेमी सर्कल सॉरी सेमी फुल स्टॉप है इसमें, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो ये आपको समीकरण को, रैखिक समीकरण जो दिया है इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 43 पर आपको इसको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है इसी अथवा में एक और, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 यानी 1,750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है उसे आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 11, देखिए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है इसके मूल। इसके अथवा में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो जाएं। तो प्रश्न क्रमांक 56 पर आप प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न नंबर 12, एपी अनुपात 7, 12, ब्लैंक दिया है, इसके आगे भी कॉमा का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो एपी बराबर 2, 7, 12, ब्लैंक कॉमा का 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो आपको इसके आगे की और संख्याएं लिखकर उसका 10वां पद आपको निकालना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, एपी अनुपात या एपी बराबर 3, 8, 13, 18, ब्लैंक का कौन सा पद 78 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 65 पर प्रश्न नंबर 1 में आप इसका आंसर देख सकेंगे।
अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ये जो सिंबल होता है ये समांतर का सिंबल होता है, डीई समांतर है बीसी के तो ईसी ज्ञात कीजिए। जब डीई, उसमें एक चित्र भी दिया गया है अगली आकृति में, ईसी ज्ञात कीजिए। एई बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, एडी बराबर 1.5 दी गई है, कॉमा डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसके आधार पर आपको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। पृष्ठ क्रमांक 79 पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन है, देखिए संलग्न आकृति में यदि LM समांतर है CB के, LM जो है वो किसके समांतर माना गया है, CB यानी कि BC के, और LN CD हो, तो LN मतलब ये वाली भुजा और CD ये दोनों समांतर हो और ये दोनों भुजाएं समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में AB, कौन सी भुजा, AM बटे में AB भुजा बराबर है किसके, AN बटे में AD के, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर है। तो ये प्रमेय है, एक तरह से कथन है जिसको हमें सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है अब आपका प्रश्न नंबर 14। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB क्या है, एक वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, तो मतलब इस व्यास का एक वृत्त बनाओ जिसका केंद्र क्या है, 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो प्रश्न क्रमांक 90 पर प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिंदुओं A, B और ब्रैकेट में -A, -B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु मतलब इनके सेंटर पॉइंट, बीच का बिंदु ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है अब हमारा प्रश्न नंबर 15। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 + sin A बटे में 1 - sin A बराबर sec A + tan A। ये भी एक प्रमेय है जो आपको सिद्ध करना है कि 1 + sin A बटे में 1 - sin A बराबर क्या होता है, sec A + tan A, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 100 पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है, sin 60° cos 30° + sin 30° × cos 60° का मान ज्ञात कीजिए, इनका मान क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, यदि PE मतलब PE बराबर 0.06 है, 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब यदि इसका मान ये है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इसका मान क्या होगा। तो प्रश्न 155 पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा में एक क्वेश्चन और है, देखिए दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, पासा होता है ना खेलने का पासा जो फेंकते हैं हम, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब उस पर ऐसा अंक आया है जिसके संख्याओं का गुणनफल कितना आया है, 6 आने की प्रायिकता को आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है 17, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE समांतर है (E) नहीं है की प्रायिकता क्या है, तो ये आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। अब ये जरूरी नहीं है कि गेंद लाल हो, कोई सी भी गेंद निकाली जा सकती है, तो इसको आपको सॉल्व करना है अच्छे से समझकर। प्रश्न नंबर 18 है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 18 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30° से 60° हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया है। तो ये आपको इसमें एक चित्र बनाना है, ठीक है ना, चित्र के माध्यम से ही आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। इसके अथवा में है अगला क्वेश्चन, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो प्रश्न क्रमांक 112 पर आप प्रश्न नंबर 2 में इसका सॉल्व देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर या समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहरी, समांतर चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज होता है। इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, देखे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के मतलब वृत्त यानी सर्कल जो होता है उसके बाह्य यानी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, तुलनात्मक सिद्ध करना है ये आपको। प्रश्न नंबर 20 आपका मिलता है, देखिए 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार का टुकड़ा एक वृत्त की चाप की शक्ल में मोड़ा गया है। वृत्त का चाप जो होता है ना, इस तरह से हम जो चाप लगाते हैं यूं इस तरह से करके, तो वो क्या होता है कि शक्ल में जो मोड़ा गया है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब वृत्त के जो सेंटर पॉइंट है कोण कितनी डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिए वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है तो ज्ञात कीजिए। पाई का मान बराबर आपको रखना है 22/7। वृत्ताकार ब्रूच है ये, एक तरह से आपको आकृति दिखाई गई है जिसे चांदी के तार के द्वारा बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझकर चित्र को देखकर इसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका है, देखिए सॉरी इसी की आकृतियों की जो कंडीशंस हैं वो देखिए। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है अब हमारा प्रश्न नंबर 21। देखिए संतरे और 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है, मतलब 35 रुपए है, तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है, तब 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, निम्न रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रेखिक समीकरण x प्लस y बराबर 14 समानुपात है, सॉरी कॉमा लगा है, देखिए अर्धविराम लगा है, x माइनस y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेखिक समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगला क्वेश्चन अब आपका मिलता है, देखिए प्रश्न नंबर 22। एक जूस बेचने वाला आपके अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। ये जो आकृति दर्शाई गई है ग्लास की आकृति है, इसके अनुसार वो जूस देता है। बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर तथा परंतु ग्लास का ग्लास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्ध गोला है, मतलब ऐसा इस तरह से एक गोला है, मतलब ऊपर उठा हुआ जो ग्लास होता है ना वो उस तरह का एक गोला है इसमें, जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है, मतलब उसमें जो मात्रा रहती है जूस की वो कम हो जाती है। यदि एक ग्लास की लंबाई या सॉरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो ग्लास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको रखना है 3.14 का उपयोग करना है, ठीक है। इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, देखे ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसकी इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर तक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। इसका आंसर आप 138 पेज पर प्रश्न नंबर 2 में देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखें किसी फैक्ट्री में फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, मतलब दिन भर की जो दैनिक मजदूरी है उसकी मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520 तक रुपयों में, उसके में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 12 है, 520 से 540 में 14 विद्यार्थी, 540 से 560 में 8 है, 560 से 580 में कितने हैं 6 है, और 580 से 600 में 10 है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी
ज्ञात कीजिए। तो 145 पेज पर आप प्रश्न नंबर 4 में इसका आंसर देख सकते हैं। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो कॉमा तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल में आपको दिया है, देखिए 0 से 10 5 बारंबारता, 10 से 20 में एक्स है, 20 से 30 में 20 है, 30 से 40 में 15 है, 40 से 50 में वाई है और 50 से 60 में 5 है और इनका योग आपको यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पृष्ठ क्रमांक 146 पर इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और रिवीजन करना है। टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 23 क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।